हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है नेशनल त्यागी ग्रुप में फिर से। बहुत दिनों बाद हम आपके लिए एक नई वीडियो लाना चाह रहे हैं, और बीच में जो हमारे कुछ समस्याएं थी जिस वजह से हम वीडियो नहीं बना सके, और आपके लिए नई वीडियो बना के लेके आ रहे हैं। और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और हमारे को ऐसा ही प्यार देते रहिए। और ये हमें रास्ते में पड़ा है सिटी फॉरेस्ट। किसी दिन यहाँ पर भी आएंगे और यहाँ पर भी देखेंगे कि इसके अंदर क्या है। तो दोस्तों अभी हमें जाना है आगे, तो बने रहिए आप हमारे साथ। मेरे अंबर मिला ऐसा देश है मेरा। तो जी हम यहाँ पर मसूरी झील घूमने आए थे, और हम तो कुछ ज़्यादा ही क्या नाम एक्सपेक्टेशन से आए, लेकिन हमारे एक्सपेक्टेशन के अनुसार हमें ये अच्छा नहीं लगा और हमने यहाँ पर एंट्री करी ही नहीं। गंदे के खेत हैं, देखो आहा मजा आ गया है। ये जगह तो आश्रम मजा आ गया। ये देखिए पूरे नहर का किनारा हम का आनंद लेते हुए। अब ज़्यादा रात हो गई है और पूरे दिन वीडियो बनाते बनाते हमारा समय बहुत ज़्यादा गुजर गया, और अब हम दिल्ली अपने घर की तरफ जा रहे हैं। आज हमारा जो एक्सपीरियंस रहा बहुत अच्छा रहा। हम मसूरी झील की तरफ गए थे, जहाँ पर हमें कुछ मज़ा नहीं आया, इतना ज़्यादा कोई अच्छा नहीं है वहाँ पर व्यू। हम देख के आए, हम मेरठ एक्सप्रेस दिल्ली हाईवे पर हैं, और अभी कुछ चाहेंगे कि आपके लिए कुछ नया कुछ वीडियो बनाए। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको इंटरटेनमेंट करने की, और अभी हम देखते हैं अगर कुछ आगे हमारा कोई पॉइंट कोई व्यू आए तो हम आपको ज़रूर दिखाना चाहेंगे। और हमारे चैनल में बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, और आपके इन्हीं प्यार की हमें आवश्यकता है। रुकने के लिए मान लिया कोई भी जा रहा है, किसी को मतलब अगर जरूरत है वो यहाँ पे रुक सकता है। ओके, तो इसमें क्या रेस्टोरेंट बनाएंगे? रेस्टोरेंट बनाएंगे। ओके, मतलब एरोप्लेन में आपका
रेस्टोरेंट जो है ना, तो आप एक बार बता सकते हैं हमें ऊपर तक चल के? कोई भी आप थोड़ा सा दिखा दीजिए तो हम देख लेते हैं, दिखा देते हैं। आपका नाम क्या भैया? मेरा नाम आदेश। आदेश कहाँ पे रहते हैं? कहाँ के हो? सितोड़ा। ओके भैया, भैया दिखाएंगे हमें, चलो भैया। क्या क्या काम चल रहा है इसके अंदर? अब इसमें लाइट है और पंप का काम चल रहा है। अच्छा, ओके। तो अभी आपने ओपन नहीं कर रखा ये? नहीं अभी नहीं, 10 मार्च तक। देखो भैया, हम आए हैं मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे पर, और एक जो रेस्टोरेंट है जो कि मार्च में चालू होना है 10 मार्च को, और ये पूरा जो रेस्टोरेंट है वो पूरा एक एरोप्लेन के अंदर है, और आप जब आओगे तो आपको सिर्फ एक पूरे एक एरोप्लेन जैसा फील होगा इस रेस्टोरेंट के अंदर। आपको ये नहीं लगेगा कि आप एक रेस्टोरेंट में बैठे हो, और रुकना भी चाहोगे तो यहाँ पर, और रुकना भी चाहोगे तो यहाँ पर एक अच्छा सा रेस्ट रूम की रूम की अवेलेबल है। भैया बताएंगे कि आपका जो रेस्टोरेंट है किस नाम से है? जैन चिकन जी के नाम से है। अच्छा, आपका क्या नाम? ये जो एरोप्लेन रखा है इसका उद्देश्य क्या है? होटल का उद्देश्य ये है कि सबसे अलग हो गया, थोड़ा जंगल का ही हो गया, इस हाईवे का कहीं भी जो है कोई रुकने की सुविधा नहीं है, खाने की सुविधा नहीं है, तो उसी वजह से जो यहाँ पे देखते हैं तो अच्छा लगेगा, और लोगों को अच्छा लगेगा, ये पसंद भी आएगा बहुत खूबसूरत बनेगा। इधर सारा सामान जो अभी थोड़ा काम चल रहा है इसमें, तो काम हो जाएगा ना इसमें, बहुत प्यारा और बहुत अच्छा लगेगा। और रूम अवेलेबल है? रूम भी जो अवेलेबल है, इसका 40 रूम भी है ऊपर। अपना नाम बताइए भैया। मेरा नाम आदेश है। आदेश, आप जब भी आए तो आदेश भाई से जरूर मिलिए, और आदेश भी भाई का नाम आपका खूब ख्याल रखेंगे। भैया इसमें जो है तुम्हारा जो कैफरी है, गेम जोन है पल्ली साइड में, और इधर जो शादी ब्याह करने का जो मैरिज होम है, काफ़ी जो चीज़ें हैं इसमें, और तुम्हारा गेस्ट रूम भी है जो आप जो इसमें जो कोई भी आएगा तो रुकेगा। बताइए अगर कोई यहाँ रुकता है तो उसके क्या चार्जेस हैं, और कौन कौन से रूम किस प्रकार के अवेलेबल है आप बताइए, बताना चाहेंगे आप? हाँ, इसमें जो है कुछ रूम जो इधर है, जैसे ढाबे वाले आते हैं तो ढाबे वाले के लिए अलग रूम है, और जो वैसे आदमी जो वैसे आते हैं उनके लिए अलग है। चार्जेस क्या क्या चार्जेस रहेंगे यहाँ पर? उसके लिए चार्जेस अभी रखे नहीं है, जैसे ये चालू होगा तो उसके जो मैनेजमेंट आ जाएंगे वो। तभी आप उम्मीद कितनी के रख सकते हैं यहाँ की, जो आप सोचना चाहेंगे? अभी जो कुछ नहीं बता सकते, अभी ये चालू हो जाए तभी जो हम बता पाएंगे। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतनी बातें शेयर करी हमसे।